हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 14 और इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, चुंबक के बारे में जो है आपको थोड़ा यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं, ये अभ्यास के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, इसको आप देख लें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, क्या होता है? लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। तो लोहे का बुरादा जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। चुंबक कैसे रुकता है? उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर दिशा के लंबवत या कहीं भी रुक सकता है। तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबकीय पदार्थ है पीतल, तांबा, लोहा, रबर। जल्दी से आंसर दीजिए। तो चुंबकीय पदार्थ है लोहा। चुंबक का चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है कहां पर? किनारों पर होता है या चुंबक के बीच में या सभी जगह समान होता है या चुंबक से दूर? तो आपने पढ़ा है कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। किसके? लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से? तो लोहे की चादर से यह बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि अगर उसके उस पार अगर कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो, और इस तरफ जो है चुंबक रखते हैं, तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकर्षित, उत्तरी, दक्षिणी, प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुवों, चुंबकीय, ये शब्द दिए गए हैं और इन्हीं वाक्यों से पूरा करना है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। कैसा पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक में बैस एवं बैस ध्रुव होते हैं। क्या पढ़ा आपने कि चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक के बैस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसको नहीं अलग कर सकते? ध्रुवों को। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर करता है, क्या? आकर्षित करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को कौन सा चुंबक बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है, करता है? नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। स्टेनलेस स्टील में भी कुछ लोहा होता है लेकिन उनके ऊपर जो है निकिल की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे लोहे का गुण उसमें समाप्त हो जाता है ऊपर से, इसलिए चुंबकीय सुई जो है इसमें विक्षेपित नहीं होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती, तो कर सकते हैं हम ये चेक करने के लिए। अगर चुंबक चिपक जाता है तो उसमें लोहा होगा, अगर चुंबक नहीं चिपकता है तो यानी उसमें लोहा नहीं होगा, किया जा सकता है या नहीं? तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, मतलब कि अगर उत्तरी ध्रुव को उत्तरी के पास ले जाएं, दक्षिणी को दक्षिणी के पास, तो क्या होता है? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो ये भी गलत है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है इनके सिरों पर। चुंबक के 4 गुण लिखिए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होता है। और नंबर 4, चुंबक के असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? नर्म लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक की तरह कार्य करने लगता है।
धारा का प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, तो ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या उपयोग हैं? विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के भारी सामान को उठाने में, लोहे की छीलन तथा लोहे के टुकड़े आदि को उठाने के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चालित उपकरणों जैसे टेलीग्राफ, मिक्सर ग्राइंडर, विद्युत घंटी, पंखा, टेलीफोन, स्पीकर आदि में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है, जैसे शरीर में या आंख में लोहे के छोटे टुकड़े अगर कहीं कण पड़ गए तो उन्हें हटाने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये चुंबक है N और S, तो आप इसमें जो है अगर यहां लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को रख दें तो आप ये देखेंगे कि लोहे के जैसे छर्रे हैं, तो ये छर्रे इनके किनारों पर आकर के चिपक जाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि यहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। जैसे ये देखिए N और S, ये इसके दंड चुंबक के जो है सिरे हैं। तो ये चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके और दक्षिण ध्रुव की तरफ आकर के समाप्त होती हैं। यह एक बंद वक्र बनाती है, यह जो है एक बंद वक्र बनाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर यहां पर हम जो है चुंबकीय सुई को रखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये चुंबकीय सुई जो है इस तरह से ये घूमते हुए यहां पर भी पहुंच करके आती है। तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, और चुंबक के अंदर से होते हुए यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हुए फिर ये बाहर की तरफ निकल करके जाती हैं। तो इनके सिरों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, यही कारण होता है कि इनके सिरों पर चुंबकीय गुण जो है वह अधिक होता है। ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये जो है दंड चुंबक है, या इसे छड़ चुंबक भी कहते हैं। स्थायी और अस्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो अस्थायी माने टेम्पोररी मैग्नेट, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं, और ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। और अस्थायी चुंबक माने परमानेंट मैग्नेट, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी रहता है उस चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं। ये लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। जैसे ये परमानेंट जो मैग्नेट है वह एलनिको, ALNICO मींस एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। पृथ्वी भी चुंबक की तरह कार्य करती है, कैसे कह सकते हैं? तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, जो कि यह इंगित करती है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। इसी तरह से पृथ्वी में अगर अधिक गहराई पर लोहे के टुकड़े उत्तर दक्षिण दिशा में करके गाड़ दिए जाएं, तो ये गड़े हुए लोहे के टुकड़े चुंबक बन जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण है। चुंबक का उचित रख रखाव कैसे करते हैं? तो चुंबकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए, चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से गिराना चाहिए, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक के समान ध्रुवों को आपस में सटा कर न रखें, दो चुंबकों के बीच में लकड़ी का गुटका रखें। प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में आकर्षण, तो जब चुंबकीय सुई छड़ के पास ले आते हैं, यानी चुंबकीय सुई के पास छड़ चुंबक को ले जाते हैं, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाने पर सुई का उत्तरी सिरा प्रतिकर्षित होता है,
उत्तरी सिरा प्रतिकर्षित होता है जबकि दक्षिणी सिरा आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये देखिए एक तार एबी, इस एबी तार में ये धारा प्रवाहित हो रही है। इसके पास एक ले आते हैं चुंबकीय सुई। जब चुंबकीय सुई को ले आते हैं तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो चित्र के अनुसार चालक तार एबी में धारा प्रवाह कराने पर तार एबी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब तार के पास चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जाता है तथा धारा प्रवाह बंद करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं होता यानी बंद हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।